थर के इलाके में जेर ज़मीन पानी इंतहाई खारा है। इसके इस्तेमाल से इलाके में सेहत के कई मिसाइल पैदा हुए हैं। इन मसाइल से निमटने के लिए हुकूमत ने कई मंसूबे शुरू किए हैं। देखते हैं थर पार्कर से अली असगर अरबाब की ये रिपोर्ट। थर के रेगिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के साथ साथ हड्डियों, जोड़ों के दर्द, पेट, दांतों और आंतों की बीमारियां आम पाई जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक इन बीमारियों की वजह पीने के लिए जेर जमीन खारे पानी का इस्तेमाल है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत ने पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों, गाँव और कस्बों में 26 डीसेलिनेशन प्लांट लगाए हैं, जिनसे रोजाना 18 लाख गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको डीसेलिनेट कर रहे हैं आरओ प्लांट के जरिए। ये टीडीएस स्टार्ट होता है 10,000 से 45,000 टीडीएस तक। यहाँ खारा पानी है जिसको हम लेस देन 500 पीपीएम पे टीडीएस पे ले आते हैं। इससे पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, प्योरीफाइड हो जाता है। ये प्लांट थर्ड कोल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए हैं। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पानी की बहुत बड़ी अहमियत है। जहाँ पे जो फॉरनर्स आए हैं काम करने, उनके लिए जो ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ये हुकूमत का फैसला था कि इन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। इन प्लांट के जरिए रोजाना 3 लाख अफराद को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। पहले हम थर वाले कभी सोच नहीं सकते थे कि यह पानी मीठा हमें मिलेगा। ये पानी बहुत बेहतर है। इस हिसाब से बहुत सी पहले बीमारियाँ होती थी, वो भी इस पानी पीने से बहुत कम हो गई हैं। ये मिनरल वाटर जैसा पानी मिल रहा है हमारे को। थर सूबा सिंध का ज्यादा से ज्यादा पसमांदा इलाका है और इस इलाके में पीने की साफ पानी की फराहमी के साथ साथ सेहत की सहूलियात में इजाफे की जरूरत है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, थर पार्कर।